स्टार्ट करते हैं क्लास सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड द दिल्ली सुल्तान्स. इन चैप्टर टू वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स. यानी कि चैप्टर टू में हमने पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा के पास के रीजन थे वो काफ़ी बड़े किंगडम बन गए थे. ठीक है, डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मैंशन ऑफ अ किंगडम विद डेली एज इट्स कैपिटल. यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐसा किंगडम नहीं था जिसका जो कैपिटल था वो डेली था. दैट वॉज बिकॉज डेली बिकेम एम इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. डेली का अभी तक मैंशन क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि डेली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी थी वो 12th सेंचुरी में बनी थी, और उससे पहले का अभी तक हमने पढ़ा है. टेक अ लुक एट टेबल वन. डेली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर. यानी कि जो कैपिटल बनी थी डेली वो किसने बनाई थी, तोमारा राजपूत ने बनाई थी, जो बाद में क्या हुआ था, उनको चौहान्स ने डिफीट कर दिया था. ठीक है, अजमेर के चौहान्स ने उनको डिफीट कर दिया था. इट वाज अंडर द तोमाराज एंड चौहान दैट डेली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. यानी तोमाराज एंड चौहान्स के अंडर रह के ही जो डेली है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. यानी क्या हो रहा था, कई सारे रिच मर्चेंट्स थे जो वहाँ पे रह रहे थे, जैन मर्चेंट्स थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, टेम्पल्स बिल्ड कर रहे थे. कॉइन्स मेंटेड हेयर कॉल दहलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन. यानी क्या हो रहा था कि जो कॉइन्स का सर्कुलेशन काफ़ी था. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली इंटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द डेली सल्तनेट इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी. यानी कि दिल्ली का एक कैपिटल में ट्रांसफ़र होना, लाइक वो जैसे धीरे धीरे वो कैपिटल बना, और उसके बाद लाइक उसको पूरा जो डेवलपमेंट था दिल्ली सल्तनत का वो 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत. यानी कि टेबल वन देखो और एक बार आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाया. यहाँ पे देखो राजपूत डायनेस्टीज बता रखी है, तोमाराज, उसके बाद चौहान आ गए, फिर अर्ली टर्किश रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शामसुद्दीन इतुमिश रज़िया, गजियाबुद्दीन बलबान, फिर खलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद लोदी डायनेस्टी आई. तो ये इन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली बनना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मेन उसका. उसके बाद द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली. यानी कि दिल्ली सुल्तान्स जो थे उन्होंने कई सिटीज़ बनाई उस एरिया में जिसको आज हम दिल्ली बोलते हैं. उसके बाद है लुक एट मैप वन एंड लुक एट दिल्ली वन. दिल्ली आई खुआना सीरियन जनपद जहानपना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जहानपना है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ये वाली टेबल देख चुके हैं जिसमें मेंशन हुआ है अबाउट द डिफरेंट रूलर्स जिन्होंने दिल्ली डायनेस्टी बनाई, मतलब दिल्ली का सल्तनत पूरा बनाया. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. अब हम लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑल द इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज. तारीख सिंगुलर, तवारिक प्लूरल, रिटर्न इन पर्शियन. यानी कि इंस्क्रिप्शन कॉइन्स और जैसे ये आर्किटेक्चर होते हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. यानी कि जो वहाँ पे लैंग्वेज होती थी मोस्टली पर्शियन यूज़ हुई है, क्या शो किया हुआ है, दिल्ली सुल्तान्स के अंडर ये लैंग्वेज चल रही थी. ठीक है, उसके बाद है द ऑथर ऑफ तवारिक वर लर्नड मैन. देखो यहाँ पे दे रखा है दो तवारिक, ठीक है, प्लूरल, तारिक सिंगुलर. उसने क्या बोला कि जो तवारिक के ऑथर थे वो कौन थे, सीखे हुए मैन थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट, कर्टियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नर्स एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल. यानी कि ये लोग ना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कुछ सीखा होता था, तो ये लोग ना गवर्नमेंट में अपना एडवाइस देना इस तरह के काम काफ़ी करते थे. उसके बाद ये दिखाया है कि कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट बनती थी, प्रिपेयरिंग द पेपर ए में दिखाया है, सेकेंड में राइटिंग द टेस्ट, सी में दिखाया मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेजेस. गोल्ड को हाईलाइट करके जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस और वर्ड होते थे उनको वो करते थे हाईलाइट, और उसके बाद बाइंड प्रिपेयर करना. तो ये सारी चीज़ें मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने के टाइम पे होती थी. उसके बाद है
Keep the following additional details in mind. The author of Tawarikh lived in cities and hardly ever in villages. जो तवारिक के authors होते थे वो लोग cities में रहते थे ना कि villages में. They often wrote their histories for sultan in the hope of rich rewards. और कई बार वो sultans की history वगैरह क्यों लिखते थे, ताकि उनको कोई award मतलब reward type मिल जाए, कोई उनको appreciate कर दे. These author advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. यानी इन ऑथर्स ने ये भी एडवाइस किया था रूलर्स को कि एक हम सोशल ऑर्डर बना के रखें लोगों के बर्थ राइट के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जो जैसे जो जहाँ पैदा होता है उसको क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए, क्या उसको फ़ायदा मिलना चाहिए. यानी कि यहाँ पे लिखा भी है बर्थ राइट क्या हुआ, प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, बर्थ के आधार पे कैसे उनको फ़ायदा होना चाहिए. जैसे कि पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज. यानी कि कुछ लोग ये मानते थे कि जो राजा महाराजा हैं उनको या फिर कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं उनको पोस्ट उन्हीं की मिलेगी, उन्हीं की नेक्स्ट जनरेशन को उनकी पोस्ट मिलेगी. तो ऐसी चीज़ों पे वो उन्हें सजेशन देते थे. ये मैं तीनों हाईलाइट कर देती हूँ. इन 1236 सुल्तान इतुमुश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान. यानी कि क्या लिखा है कि 1236 में सुल्तान इतुमिश की डॉटर रज़िया सुल्तान बन गई थी. द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज ई सिराज रिकोगनाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर. यानी कि उनको ये लग गया था, वहाँ पे लोगों ने देखा भी था और एक नाम भी लिखा है, मिनहाज ई सिराज ने ये रिकोगनाइज कर लिया था कि वो अपने भाइयों से कई ज़्यादा बेटर है. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. बट वो ये नहीं चाहते थे कि एक लड़की रूल करे, ठीक है. नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट अर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली. ना ही जो नोबल्स थे वो इस बात से एग्री कर रहे थे कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली रूल करे. शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. यानी कि उनको थ्रोन से जो उनको मिला था हटा दिया गया था 1240 में. नाउ वॉट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रज़िया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं. वैसे तो मिनहाज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन. ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम फॉर मैन हाउ डिड शी गेन फ्रॉम. ओके, तो मिनहाज ए सिराज ने ये सोचा कि जो भगवान ने एक ऑर्डर बनाया है उस टाइम पर जो लोगों को लगता था कि औरतों को सबॉर्डिनेट रहना है मेल के, यानी कि वो पुरुषों को सपोर्ट करेंगी, साथ में रहेंगी. लेकिन वो अगर उसको राजा बना ही देते, मतलब क्वीन बना देते रज़िया को, तो वो अगेंस्ट चला जाता. इसलिए वो इस आइडिया से खुश नहीं थे. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. In the early 20th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. यानी कि 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो दिल्ली के सल्तनत का कंट्रोल था वो ज़्यादा आगे नहीं गया था, क्योंकि वो जो एरिया था वो garrisons ने कंट्रोल कर रखा था, तो बहुत आगे नहीं गया, ठीक है. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटर लैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाइज. यानी कि क्या हो रहा था, 13 सेंचुरी के आसपास की बात करते हैं, अर्ली 13 सेंचुरी की, तो दिल्ली के सुल्तान्स ने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था, ज़्यादा फैलाया नहीं था. गैरिसन्स कौन लोग होते हैं, जो किसी भी जगह को प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई किला हो गया, कोई मतलब कोई जगह हो गई जिसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो जगह या टाउन जो गैरिसन्स ने पूरा कंट्रोल कर रखा था वो ज़्यादा फैला नहीं उस टाइम पे. यानी कि सुल्तान्स ने ज़्यादा अपना फैलाया नहीं. तो सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड. वो हिंटरलैंड जो हिंटरलैंड देखो यहाँ पे लिखा है, वो लैंड जो एक सिटी के एडजस्टेंट होता है या फिर एक पोर्ट है दैट सप्लाइड विद गुड एंड सर्विसेज. तो क्या होता है, वो उसको क्या सप्लाई करता है, सर्विसेज देता है, गुड्स देता है, चीज़ें देता है. तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कंट्रोल किया था, बट मोस्टली वो डिपेंडेंट थे ट्रेड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाइज, ठीक है. वो थोड़ा बहुत जो आदान प्रदान हो रहा था चीज़ों का, उन पे डिपेंडेंट थे. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. यानी कि दिल्ली में बैठ के बाकी जगहों को कंट्रोल करना जो काफ़ी दूर है वो मुश्किल था. रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट्स.
कई बार क्या होता था, लड़ाइयाँ होने की वजह से, वेदर ऐसा होने की वजह से, जो रूट्स थे जो जोड़ते थे जगहों को, वो ख़राब हो जाते थे। दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्राम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान वीकनेस। यानी कि दिल्ली की अथॉरिटी को और मुसीबतें भी थी, एक तो अफगानिस्तान से अटैक होने की उम्मीद रहती थी, इन्वेजन रहता था कि कभी भी अटैक हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो लोग थे जो हमेशा इस उम्मीद में रहते थे कि कोई गलती हो, कोई राजा महाराजा से कोई गलती हो, तो वो भी एक चैलेंज था। द सल्तनेट बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल था ये सर्वाइव करना, और उन्होंने करा भी नहीं। इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबान एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। पहले नहीं हुआ था, लेकिन जो एक्सपेंशन वगैरह हुआ वो बाद में हुआ। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनेट एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। अब क्या हुआ था, पहला जो गोल था वो था इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि वो एरियाज जो दिल्ली सल्तनत के अंडर आते थे उनको इंटरनल फ्रंटियर बोला है। उनका पहला एम ही यही था कि जो हिंटरलैंड है, जो पोर्ट वाले ट्रेड वाले इंपॉर्टेंट लैंड है, कहाँ पे गैरिसन टाउन में, उनको कंट्रोल करें, उनको पावरफुल बनाएं। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोएब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट एक्सपेल फ्रॉम देयर हैबिटेट। जब ये सब कुछ हो रहा था, लाइक वो इन चीज़ों को अपने अंडर लेना चाह रहे थे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे, तो सारे कई सारे फॉरेस्ट क्लियर किए गए थे। उसके अलावा जो हंटर गैदरर्स थे उनको भी हटा दिया गया था उनकी नेचुरल जगह से। ये जो लैंड थे ये पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर के पर्पज से दे दिए गए थे, ठीक है, छोटे छोटे किसानों को दे दिए थे ताकि एग्रीकल्चर को एनकरेज किया जा सके। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। यानी कि नए फोर्ट्रेस, नए फोर्ट बने, गैरिसन टाउन्स बने, टाउन बनाए गए ताकि क्या हो, ट्रेड रूट जिसके थ्रू यानी बिजनेस होता है, व्यापार होता है, उसको बचाया जा सके, उन रास्तों को बचाया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तनेत, यानी कि एक एक्सपेंशन हुआ जो बाहर की साइड हुआ। मिलिट्री एक्सपीडिशन इन टू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि मिलिट्री का एक्सपीडिशन होना साउथर्न इंडिया की साइड पर कब हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ था, एंड कल्मिनेटेड एंड मोहम्मद तुगलक, ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखे जिनके टाइम पे हुआ था। इन देयर कैंपेन सुल्तनेज आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मटेरियल्स या मेटल्स। यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो अलग अलग आर्मीज के लोग आते थे या जो भी लोग आते थे, ये लोग उस टाइम पे जो एलिफेंट हॉर्स घोड़े जो भी इनको मिलता था प्रीशियस सामान, इसको अपने साथ ले जाते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग्स द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनेट हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो यानी कि मोहम्मद तुगलक के रीन के एकदम एंड के टाइम पे क्या होने लग गया था, दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज़। काफ़ी जगहों को इन्होंने हरा, कई लोगों को भी हराया था, कई आर्मीज़ को हराया था और सिटीज़ को अपने कब्जे में ले लिया था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियलम। यानी कि रियलम जो सल्तनत थे वो टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करते थे पीजेंट से ताकि वो सर्वाइवल कर सके। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। यानी कि ये कैसे एक इफेक्टिव कंट्रोल हुआ, इतनी बड़ी यू नो पूरे का पूरे को कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल था। उसके बाद एक यहाँ पे दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं, ठीक है। इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनारेट बिल्डिंग ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, ये बोला है कि उन्होंने बनाया था। दिस मॉस्क्यू वाज एनलार्ज बाय इतुमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। द मीनार वाज बिल्ड बाय टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इतुमिश, ठीक है। इसको बोला है कि इसको मस्जिद बोलते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह। मस्जिद में एक मिनट, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर, यहाँ पे वो अपनी नमाज पढ़ते थे। मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्न मेल इन देयर एज देयर लीडर। तो सबसे रेस्पेक्टेड जो लीडर उनको लगता था वो चूज करते थे, ठीक है, किसके लिए, प्रेयर्स के रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए इमाम बोला है उन्हें। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन्स ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स, खुतबा भी वो देते थे उनको, मतलब उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मैका, तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं वो उधर की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, और इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड किबला। यहाँ पे क्या है, इंडिया में वेस्ट की तरफ है, उसको किबला बोला है।
नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ड इन द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जनापना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, यानी कि ये किसने बनाया था, तुगलक ने बनवाया था। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, यानी कि दिल्ली के जो सुल्तान्स थे उन्होंने कई मॉस्क्यू बनवाए थे सिटीज़ में, एक तरह से ये उनका क्लेम था किसके लिए, मुस्लिम और इस्लाम्स को बचाने के लिए। और दूसरी चीज़, मॉस्क्यूज़ जो वो बना रहे थे वो एक कम्युनिटी में भरोसे की एक उतना बुनियाद क्रिएट कर रहा था ताकि क्या हो, लोग उसको फॉलो करें। इट वॉज़ नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड, तो ये एक चीज़ था कि सब एक कम्युनिटी हैं, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें बन रही थी। ये सब आपने देखा होगा, मौत का मस्जिद बिल्ड इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर, मॉस्क्यू ऑफ जमाली बिल्ड इन द लेट 2050। नाउ अ क्लोजर लुक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज एंड तुगलक्स, द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडिड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर मजबूत बनाना था किंगडम को, ठीक है, और वो भी दिल्ली जैसे किंगडम को, दिल्ली सल्तनत के किंगडम को, तो बहुत ज़रूरी था कि ढंग के गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हों जिन पर भरोसा करा जा सके। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रैट्स एंड लैंडेड चीफ्टेन एज गवर्नर, द अर्ली सुल्तान स्पेशली इतुमिश फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगान इन पर्शियन, यानी कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग चीफ्टेन जो पहले चला आ रहा था, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे उन पे भरोसा करने की जगह वो जो स्लेव्स होते थे जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए खरीदे जाते थे उनको सपोर्ट करते। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम, यानी कि उनको ये भी बताया जाता था कि वो क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से इस किंगडम को संभालेंगे, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, यानी कि यहाँ पे धोखा होने का कोई सवाल नहीं था क्योंकि वो कम्प्लीटली अपने मास्टर पर डिपेंडेंट थे, तो उन्हें पता था कि उनको एकदम सच बोलना पड़ेगा, सच रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ पता चली कि जो दिल्ली सल्तनत में थे वो लोग जो स्लेव्स थे उन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो अभी तक चला आ रहा था चीफ वगैरह पे भरोसा करने से। द खलजीज एंड तुगलुक कंटिन्यू टू यूज़ बंदगान एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशन, यानी खलजीज और ये तुगलुक्स इनको यूज़ करते रहे बंदगान को, जिनको लोगों को वो लेके आते थे हाई पॉलिटिकल पोजिशंस में, कुछ क्लाइंट्स भी थे उनको भी वो प्रेफर करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, हाउ एवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से क्या हो गया था, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी लेकिन फिर भी ये चीज़ काफ़ी सपोर्ट में थी। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स, यानी कि जो स्लेव्स थे वो जिस मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे उस पे साथ तो बहुत लॉयल थे लेकिन यानी उनकी जो नेक्स्ट जो जनरेशन है या जैसे भी है उन पे वो डिपेंडेंट नहीं थे, उनसे वो मतलब भरोसा नहीं रखा हुआ था। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, यानी कि जो सुल्तान थे नए सुल्तान उनके खुद के सर्वेंट होते थे जिसकी वजह से क्या होता था कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता था पुराने में और नए में। जो नए सुल्तान आते थे वो समझ लो अपने साथ कोई वो उनके खुद के कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत फेवर करते हैं, प्लस जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी वहाँ अपॉइंटेड हैं, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता था, मतभेद रहता था। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सल्तनेज ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस, यानी कि इन लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, ऊपर रखना, इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि ये ऐसे लोगों को जो काफ़ी लो हैं, नीचे हैं, उनको हाई ऑफिसेज में प्लेस दे रहे हैं। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलीजी एंड तुगलुक मोनार्च अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस, तो इन्होंने क्या किया था, कई सारों को अपॉइंट किया था मिलिट्री कमांडर की तरह, अलग अलग टेरिटरी पे कई सारे मिलिट्री कमांडर अपॉइंट कर लिए। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति, यानी कि ये जो लैंड थे इनको इक्ता बोलते थे और जो इन लैंड को होल्ड करते थे उनको इक्तादार बोलते थे।
The duty of Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their ektas. अब मुक्तीस क्या करते थे यहाँ पे लोग जो बोलते हैं कि इक्तादार या फिर मुक्ति सेम चीज हो गई जो लैंड को देखते थे वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाते थे वहाँ पे कैंपेन्स और उसके अलावा वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तीस कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी. और क्या करते थे जहाँ भी वो ये काम करते थे वहाँ पे वो रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे ताकि उनका काम चलता रहे. दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज. और जो रेवेन्यू वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे उसी से वो अपने सोल्जर्स को भी पैसे देते थे. कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड. यानी कि मुक्तीज पे जो कंट्रोल था वो काफ़ी इफेक्टिव तब होता था जब उसका ऑफिस इनहेरिटेबल ना हो, ठीक है, कोई दूसरा उसको ना ले. दूसरी चीज़, अगर इक्ताज उनको वो वाले असाइन हो, वो लैंड असाइन हो जो थोड़े पीरियड के लिए हो, ठीक है, और ज़्यादा शिफ्टिंग मतलब यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले उनको प्रॉपर असाइन हो जाए. दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वॉज रिग्रेसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलुक. तो ये जो कंडीशंस थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोज हो रही थी. कब, किसके टाइम पे? दो का नाम है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे. अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीस. और अकाउंटेंट्स भी थे जो मुक्तीस जो टैक्स देते थे उनका टैक्स देखने के लिए करते थे. केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही केप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर. इस चीज़ का भी ध्यान रखते थे जो मुक्ति हैं वो टैक्स यानी कि जितना स्टेट को चाहिए उसको उतना टैक्स दे दें, उसके अलावा बाकी वो अपने सोल्जर्स के लिए रख लें, ठीक है, क्योंकि उनका भी जो काम चलता था, इनका जो मुक्ति देखते थे इक्तदार का और मुक्ति का, वो कैसे चलता था कि वो अपना जो पे करते थे सैलरी वगैरह वो इसी रेवेन्यू से करते थे. एज द डेली सल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल. जैसे जैसे वो हिंटरलैंड को कंट्रोल में लाने लग गए दे फोर्स द लैंडेड चीफटेंस द समानता आर्टी सॉरी एरिस्टोक्रैट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटीज. अब उन्होंने ये भी ध्यान में रखना शुरू कर दिया कि जो लोग पैसे वाले हैं जो वहाँ पे हाई पोजिशन पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें. अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. अब खलीजी के टाइम पे क्या हुआ था, उन्होंने धीरे धीरे जो कंट्रोल था वो पूरा अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था, सब कुछ जो भी कलेक्शन का था लैंड रिवेन्यू का था. द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेन टू लिवाय टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. यानी कि लोकल चीफटेन पहले क्या कर रहे थे, पहले वो खुद टैक्स कलेक्ट करते थे लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वो भी खत्म कर दिया और उनको खुद टैक्सेस देने पड़ते थे. द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड कैप्ट केयरफुल अकाउंट. जो एडमिनिस्ट्रेटर थे सुल्तान के वो बहुत ध्यान रखते थे अकाउंट का कि क्या है कैसे है. सम ऑफ द ओल्ड चीफटेन्स एंड लैंडलॉर्ड सर्व द सल्तनेट एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर. कई ओल्ड चीफटेन जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने सल्तनेट में ऐसे सर्व किया जैसे रेवेन्यू कलेक्टर्स की तरह, जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को उसका ध्यान रखते थे. असेसर यानी उसको एक्सेस करते थे कि कैसा चल रहा है काम, क्या नहीं चल रहा. नाउ तीन तरह के टैक्सेस थे, ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू बी अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस. यानी जितना भी पीजेंट प्रोड्यूस करेगा उसका 50% उसको खराज बोल दिया. कैटल पे एंड घर पे, ये तीन तरह के टैक्सेस देने होते थे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ डेली सुल्तान्स. काफ़ी सारा पार्ट तो अभी भी डेली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था और ये मुश्किल था कंट्रोल करना दूर की जगहों को, लाइक बंगाल को डेली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. द एंटायर, और इसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने साउथर्न इंडिया में जाया था तो पूरा रीजन एक इंडिपेंडेंट हो गया था. इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सुल्तनेट फोर्सेज कुड नॉट पेनीट्रेट. कुछ ऐसे भी एरियाज थे, कुछ फॉरेस्टेड ऐसे एरियाज थे जिनको सुल्तनेत जो थे वो भी नहीं मतलब उसके अंदर जा पाए थे. लोकल चीफटेन एस्टेब्लिश देयर रूल्स इन देयर इन दीज रीजन. जो नॉर्मल लोकल चीफटेन्स होते थे वो इस जगह पे अपना रूल बनाए हुए थे. कई बार कई रूलर्स जैसे कि अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरिया बट ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. वो कुछ टाइम तक कंट्रोल रख पाते थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक ये हो नहीं पाता था. क्यों? क्योंकि चीफटेन वहाँ पे थोड़े से स्ट्रांग भी थे, दूसरी चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल था हर जगह को मेनटेन करके रखना. द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान इन्वेडेड ट्रांसोनिया इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनेट फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. यानी कि
जो मंगोल्स थे गेंगिस खान के अंदर, उन्होंने अलग अलग जगह ईरान में भी उन्होंने इन्वेड किया, घुस गए, और उसके बाद दिल्ली ने भी फेस किया। मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनेट इंक्रीज ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। यानी कि ये जो मंगोल का अटैक था ये दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बढ़ गया था। उसके अलावा जो मोहम्मद तुगलक था उनके टाइम पे तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही उनका अटैक होने लग गए। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोजेज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। अब इस टाइम पे उनके पर अटैक होने वाला था तो उन्हें आर्मी यहाँ चाहिए थी, और इस आर्मी को यहाँ लाने का मतलब था कि बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना चीज़ों को, क्योंकि सारे के सारे लोग वहीं चाहिए थे ना। उसके बाद पूरा एक रिकॉर्ड रख रखा है कि क्या क्या हुआ था, कि किस तरह से क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरा आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलर्स वी समटाइम फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत अ दिल्ली सुल्तनेट प्लान्ड अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। कि अगर हम ये देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक फेल हुए थे, लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि पहली बार कोई एक सल्तनत में कोई ऐसा था जिसने ये प्लान किया था कि वो मंगोल की टेरिटरी को कैप्चर करेंगे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। यानी कि मोहम्मद तुगलक के जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए थे उसको ऐसा लिया था मिलिट्री ऑफेंसिव, कि जो मिलिट्री को ले ठीक नहीं है अगेंस्ट द मंगोल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्ट दे रखा है, आप इसको पढ़ लो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ था और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थोड़े सक्सेसफुल थे, लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद तुगलक के मेजर थे वो फेल थे। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि बाद में लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की थी इसकी, और उन्होंने जो थ्रेट हुए थे मंगोल इन्वेशन के उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखी गई। नाउ द सल्तनेट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, अब हम लोग पढ़ेंगे 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनेट के बारे में। द सल्तनेट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोदी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। यानी कि आप देखोगे कि जब तुगलक का टाइम ख़त्म हो रहा था उस टाइम पे सैयद और लोदी डायनेस्टीज ने आना शुरू कर दिया था और रूल किया था 1526 तक। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टेब्लिश्ड फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल। इस टाइम तक बाकी जो ये जगहों के नाम हैं इनके अपने अपने इंडिपेंडेंट रूलर्स आ गए थे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। इसी टाइम पे अफगान और राजपूत का जो होता है ना किस तरह वो इमर्ज कर रहे थे वो देखा गया था। Now, some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. यानी कि कई states ऐसी थी उस time पे, छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा powerful और बहुत अच्छे से manage की जा रही थी। शेर शाह सुर started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. यानी कि ये नाम इसको पूरा हाईलाइट कर देती हूँ। शेर शाह सुर ने क्या किया था, उन्होंने अपने वो एक छोटे से मैनेजर थे, अपना करियर उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था अपने अंकल के लिए जो बिहार में थे, और उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज करके हरा दिया। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, उन्होंने खुद की अपनी डायनेस्टी कैप्चर कर ली थी। ऑल दो द सुर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, इट इंट्रोड्यूस्ड एट एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। यानी कि उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया जो कहाँ से इंस्पायर्ड था, अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, और वो काफ़ी उसको और अच्छा बनाया। ठीक है, जो भी उस टाइम पे हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वो उन्होंने उसको बेटर मॉडिफाई करके यूज़ किया। नाउ ये जो शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन था वो मॉडल बन गया किसके लिए, जो एम्परर अकबर ने भी बनाया था व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। जब अकबर ने मुगल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया था तब क्या हुआ था, तब उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे है एल्सवेयर, थ्री ऑर्डर्स वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। उसमें सोसाइटीज़ को थ्री क्लास में डिवाइड किया था, दोज हु प्रेड यानी जो पूजा करते हैं, जो लड़ते हैं और जो लैंड पे काम करते हैं। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। यानी कि क्या हुआ, ये जो लड़ते हैं, जो प्रेयर करते हैं और जो लैंड वगैरह क्या कहते हैं को मतलब काम करते हैं उस पर तीन ऑर्डर में उनको डिवाइड कर दिया था। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उसको कंसोलिडेट करने का मतलब क्या था, उसको एकजुट करने का मतलब ये था कि उनके जो रोल हैं वो दिखें।
ठीक है, उसके बाद पीस ऑफ गॉड के ऊपर पैराग्राफ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये था चैप्टर थर्ड, क्लास सेवन, द दिल्ली सुल्तान्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप और चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे, वरना आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिस पे जाके आप चैप्टर्स को देख सकते हैं। वरना मेरे चैनल पे डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर ऑर्डर में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।